नमस्कार, एशिया न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अबूज़र गफ्फारी और अभी मैं मौजूद हूं महावीर मंडल के जो अध्यक्ष हैं जय सिंह यादव जी, उनके आवास पे मैं मौजूद हूं। आइए सीधा इनसे बात करते हैं कि महावीर मंडल का इनको दोबारा अध्यक्ष बनाया गया है, साथ में होली का भी त्यौहार है, शबे बरात की भी रात है। आइए सीधा इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, एशिया न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। हैप्पी होली सर। क्या कहेंगे सर, आपका शबे बरात का भी रात आज है, आपका होली का भी दिन है, क्या कहेंगे सर? इससे बढ़िया दिन तो हम लोग का जल्दी मिलता नहीं है। सबसे पहले तो मैं होली और शबे बरात एक साथ जो आया है इस दुनिया में, इस धरती में, इसके लिए मैं अल्लाह को भी और भगवान को भी शुक्रवाद करता हूँ कि एक साथ पर्व मनाने का मौका मिला। ऐसा बहुत संजोग से मिलता है कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक दूसरे को पर्व को आपस में बांट कर मनाते हैं। हमारा होलिका दहन भी हुआ तो मुस्लिम भाइयों ने होलिका दहन में भाग लिया, उन लोगों ने मिलकर जलाया, हम लोगों ने शबे बरात पर रात पर कब्रिस्तान में हम लोग अपने मुस्लिम भाइयों को स्वागत किया, गले मिलाया और उनके पर्व में शबे बरात में हम लोगों ने शामिल हुआ। मुझे बहुत ही खुशी हुआ कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ, लगा ही नहीं कि कौन मुसलमान कौन हिंदू है। कब्रिस्तान के अंदर में कम से कम जितना मुसलमान भाइयों थे और हिंदू भाई थे, लगा ही नहीं कौन मुसलमान हिंदू, पहचान करना मुश्किल हो गया था। तो ऐसा भाईचारगी झारखंड में और ख़ास कर रांची में मिला, इसके लिए बहुत बहुत हम यहाँ के जनता को धन्यवाद देते हैं, यहाँ के प्रशासन को भी धन्यवाद देते हैं। प्रशासन ने भी काफ़ी सूझबूझ से और काफ़ी मेहनत से होली हो शबे बरात में जो मैंने इंजाम मैनेजमेंट करना चाहिए था उन्होंने अपने तरफ से पूरा उतरा। CSSP साहब, DC साहब का जो प्रयास रहा जिला को ठीक करने में, विधि व्यवस्था में मदद करने में, तो DC SSP लगातार हम लोगों से संपर्क बनाए रखा और हम लोगों से सुझाव लेते रहा। जो जो सुझाव हम लोग दिए हैं उस सुझाव का पालन इन्होंने तुरंत किया है, जिसका नतीजा है कि आज आपका ना कोई एक्सीडेंट हुआ, ना कोई दुर्घटना घटा, ना किसी प्रकार का विधि व्यवस्था में कोई समस्या हुई। हम लोग श्री महावीर मंडल रांची की ओर से हम तमाम मुस्लिम भाइयों को, हिंदू भाइयों को धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह से प्रेम प्यार बना रहे आपस में और रामनवमी का जो आने वाला रामनवमी का जो पर्व है उसमें भी हम उम्मीद करते हैं कि अपने हिंदू भाइयों मुस्लिम भाइयों से जिस तरह से बच्चों के हिसाब लेते आए हैं आप शुरू से, मुझे उम्मीद है कि आप इस बार रामनवमी में हम लोग जो घर में ही, चूँकि सरकारी गाइडलाइन आया हुआ है कि रामनवमी नहीं मनाई जाएगी, अपने अपने घर में लोग पूजा पाठ करेंगे, तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि सिम्बॉलिक रूप से कुछ हम लोग सरकार से डिमांड करने के इच्छुक हैं। माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे कि रामनवमी का स्वरूप क्या होगा, कैसे मनेगा। जब तक सरकार से क्लियर गाइडलाइन नहीं आता है तब तक हम लोग किसी भी लोगों को कहेंगे अपने घर पर रहें और घर पर ही पूजा पाठ करें। कोई ऐसा निर्देश अगर सरकारी नहीं आएगा तो श्री महावीर मंडल रांची ही जारी करेगा कि क्या करना है। सर दोबारा आपको महावीर मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है, आपके काम को देखते हुए सर क्या कहेंगे और किस तरह का जो है अपना कर्तव्य निभाएंगे? हम तो इसके लिए धन्यवाद देते हैं श्री महावीर मंडल रांची के कार्य समिति के और 867 मेंबर को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने दोबारा पुनः सर्वसम्मति से मुझे चुना है। मेरे कामों को देखकर यहाँ पर जो शहर में शांति व्यवस्था, विधि व्यवस्था को मेंटेन करने में श्री महावीर मंडल रांची ने जो रोल किया उसको लोगों ने अप्रिशिएट किया और श्री महावीर मंडल रांची दोबारा मुझे मौका दिया कि आप ही के नेतृत्व में शहर को शांत रहेगा, शहर का वातावरण ठीक रहेगा, इसलिए मुझे चुना है। तो हम किसी का भरोसा पर खड़े उतरेंगे और अपने हिंदू भाइयों मुस्लिम भाइयों पर विश्वास दिलाते हैं कि जिस उम्मीद साथ मुझे चुना गया है उस उम्मीद में मैं खड़ा उतर के मैं आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का प्रयास करूंगा। बहुत अच्छी बात यही इन्होंने जय सिंह यादव ने कही है और मैं आपको बता दूं कि मज़हब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना है, हिंदी हैं हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यही हमारे हिंदुस्तान की तहजीब है और गंगा जमीनी तहजीब हमेशा हिंदुस्तान में, झारखंड में, रांची में कायम रहा है और कायम रहेगा। और जैसा कि जय सिंह यादव जी ने बताया कि कल शबे बरात का जो रात था तो उसमें हिंदू भाई भी कब्रिस्तान के पास पूरे लगे हुए थे और मैं आपको बता दूं कि पता ही नहीं चल रहा था, इनका कहना है कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है और यही गंगा जमुनी
तहजीब है। और इन्होंने बताया कि महावीर मंडल का जो इनको जो दोबारा अध्यक्ष बनाया गया है तो ये अपने काम पे खरा उतरेंगे और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को लेकर कर चलेंगे। आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें, एशिया न्यूज़ के माध्यम से आपको पल पल की खबरें मिलते रहेगी। मैं अबूज़र गफारी, कैमरामैन नौजीस के साथ, एशिया न्यूज़ इंडिया।